गुरुग्राम में डीटीपी एनफोर्समेंट ने सोसाइटी के सभी 135 फ्लैट को नोटिस जारी कर तोड़ने के आदेश जारी किए। डीटीपी विभाग की तरफ से साफ कहा गया है कि बिल्डर ने अगर मकानों को नहीं हटाया तो फिर विभाग कार्रवाई करेगा और हर्जाना भी बिल्डर से वसूला जाएगा। डीटीपी विभाग ने सोसाइटी के तमाम फ्लैट्स के बाहर नोटिस लगाए हैं और निर्देश जारी किए। इसमें नियमों को ताक पर रखकर पूरा निर्माण कार्य करवाया गया, लेकिन अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिरकार जिन लोगों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई सोसाइटी में लगा दी और एक अपने अच्छे आशियाने का सपना देखा था, उन लोगों का क्या होगा। यही बात लगातार यहाँ रहने वाले लोग सरकार और प्रशासन और उन लोगों से पूछ रहे हैं जिन्होंने इस कॉलोनी को बनाया। चला कि यहाँ पे सबसे नोटिस आए हुए हैं तोड़ने ओढ़ने की प्लानिंग चल रही है, तो उनको बड़ा अजीब लगा कि इतने सालों से रह रहे हैं, बिजली पानी सब कुछ आ रहा है और सारा कुछ लीगल होता है, है ना। और बहुत झटका लगा कि इतने साल से हम रह रहे हैं और उन घर को कैसे तोड़ा जा सकता है, इतनी फैमिली रह रही है यहाँ पे और ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं। आप समझ सकते हो कितना मुश्किल से एक इंसान घर को जोड़ जोड़ के, पैसे जोड़ जोड़ के घर को बनाता है, टूट जाए तो उसको कितना झटका लगेगा। तो बहुत तकलीफ हुई, रात रात भर सो नहीं पाते हैं सोच सोच के कि कल क्या होने वाला। तो ये नोटिस आज लगे हुए हैं, इससे लग रहा है कि उन्होंने डेमोलिशन ऑर्डर निकाल दिया एक तरीके से। हम लोगों के साथ समस्या ये है कि इतने टाइम से सुनते आ रहे हैं कि ये इलीगल है और एक्शन लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा, किसी तरफ से हमें कोई राहत नहीं मिल रही। इसके टेंशन के चक्कर में मेरे फादर को हार्ट अटैक भी हो गया। अब समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ जाएं, कैसे अपने किसके आगे जाकर अपनी बात का ऑर्डर है जी। सीधा सीधा इसको जो है तोड़ा जाएगा, हमें यही सुनने को मिल रहा है सुबह से। जो लगा रहे थे अधिकारी उनसे बात हुई है, जाके मिलो जी, जाके मिलो जी। हम मिलते हैं वहाँ पे, हमें फिर कुछ नहीं बताया जाता। किस विभाग की तरफ से नोटिस? डीटीपी है जी नोटिस। कितने परिवार इस साइलेन में रहते? 135 परिवार रह रहे हैं जी। 450 के करीब आबादी है, छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, कईयों की अभी शादी हुई है, और सीनियर सिटीजन है जैसे हम लोग रिटायर्ड बैंक से आ रहे हैं। स्टेप तो यही है कि अपने RW मिलकर जो भी स्टेप उठाने जा रही है, कोर्ट प्रोसीड करने की सोच रहे हैं वो करेंगे। हैरानी की बात यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो 2,87,000 की कंसेशन मिलती है वो भी कुछ लोगों को मिली है, फाइनेंस भी हुआ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा, तो सारा कुछ वो बेकार हुआ है। काम रजिस्ट्री हो रही है, रजिस्ट्री के बाद नगर निगम का टैक्स पे किए हुए सबने, तो ये सारे कहाँ जा रहा था।